हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको C61 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है ना ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना मैं आपको एक फ़ोटो को ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा ब्लूटूथ से। आप चाहे तो फोटो, वीडियो, ऑडियो फाइल वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं फ़ोन की गैलरी को ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, मैं एक फ़ोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये फोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट टिक लग गया। अब आपको नीचे की साइड शेयर का ऑप्शन है, शेयर के इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। तो शेयर पे सेलेक्ट करेंगे ना तो आपका इस तरीके से पेज आएगा। इसमें आपको ब्लूटूथ का ये ऑप्शन दिखाई देता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये मोर का ऑप्शन टैप करके आपको उसके अंदर ब्लूटूथ का ऑप्शन ढूंढ लेना है और सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ब्लूटूथ पे सिलेक्ट करना है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है ना, जैसे सिलेक्ट करेंगे ना तो सामने वाले पर्सन के डिवाइस में एक एक्सेप्ट का जो है ना वो पेज जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो आपको ये सामने वाले पर्सन का जो ब्लूटूथ का जो नाम होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो इस नाम को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही नाम को सिलेक्ट करेंगे तो सामने वाले पर्सन के फोन में या उसके डिवाइस में एक्सेप्ट का एक ऑप्शन जाएगा, एक्सेप्ट आपको कर लेना है, ठीक है, सामने वाले पर्सन के डिवाइस में। तो आप देख पाएंगे कि आपका जो है ना डेटा यहाँ पे ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं, जैसे ये 100% हो जाएगा तो ये डेटा ट्रांसफर हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन के ब्लूटूथ से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है।